हाई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू मिनी जी ब्लॉग्स तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह होने वाला है कि ये वाला ब्लॉग ना मेरा डेली लाइफ ब्लॉग नहीं होगा मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट डेली ब्लॉग का नहीं होगा मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो होगा इन्फॉर्मेटि ब्लॉग होगा क्योंकि ये वाला ब्लॉग हम बना रहे हैं हमारे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर ने हमें रिक्वेस्ट किया था बताने के लिए कि लाइफ इन आ, हाउस, इंडियन हाउज इंडियन लाइफ इन विनिपेग मतलब एक विनोपेग में एक इंडियन की एक जैसे एक की लाइफ कैसी होती है क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम तो हम उस पर आज ये व्लॉग बना रहे हैं तो ये वाला व्लॉग जो लोग कनाडा आने के लिए प्रेप कर रहे हैं या जो जिनके माइंड में कुछ डाउट्स हैं या कोई सोच रहा है कि विनीपेक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए कैसी सिटी है टोरंटो और वेनकोअर के बारे में तो बहुत सुना है बट ये विनीपेक क्या है कैसा है तो इस व्लॉग में हम ये सारा कुछ बात करने वाले हैं तो फ्रेंड्स जो विनीपेक है ना वो है मैनेटोबा की कैपिटल सदर्न मैनेटोबा में पड़ता है यानी कि साउथ ऑफ मैनेटोबा में है और है विनीपैक जो है वो मैनिटोबा की कैपिटल है मैनीटोबा जो है एक प्रोविंस है जो कि ओंटारियो और सस्कैचुअन के बीच में है तो एक सेंट्रल जो है होता है ना अगर आप कनाडा का मैप देखोगे तो बिल्कुल सेंट्रल वाला जो प्रोविंस है वो है मैनिटोबा और मैनिटोबा की कैपिटल है विनीपैक तो ये तो होगी विनीपैक की थोड़ी सी जोग्राफी की विनीपैक है कहाँ पर मैं साथ साथ खा रही हूँ बिस्किट क्योंकि मुझे लग रही है भूख सो फ्रेंड्स इस ब्लॉग में अब हम शुरू करने वाले हैं मतलब जब मैं आपको बताने वाली हूँ हमारी लाइफ इन एंड के बारे में इंडियन की एक इंडियन की लाइफ इन बेनिपैक्ट के बारे में तो इस ब्लॉग में इस पर्टिकुलर ब्लॉग में हम तीन बातें करेंगे एक इंडियन की लाइफ इन बेनीपेक्ट के बारे में तो पहली बात यह है कि जब आप इंडिया से आते हो वॉट टू एक्सपेक्ट इज हाउस हेल्प्स हाउस होल्ड वर्क ऑन हाउस हेल्प्स तो यहाँ पर आपको हाउस हेल्प्स नहीं अवेलेबल होती हैं मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होल्ड चोर्स आप ख़ुद करते हो बी इट क्लीनिंग योर हाउस, लॉन्ड्री डिशेज और मतलब घर के जो बेसिक काम हो गए डस्टिंग ये सारे कुछ आप खुद से करते हो और इन सब के लिए आपको हाउस हेल्प्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती हैं जो कि इंडिया में मोस्ट कॉमन है हर घर में कुकिंग क्लीनिंग एवरीथिंग इज़ डन बाय योरसेल्फ बाकी कामों के लिए ऑफकोर्स प्लम्बिंग के लिए कोई इलेक्ट्रिशियन वर्क के लिए आप इलेक्ट्रिशियंस और प्लम्बर्स को बुलाते हो आ, पर वो भी मैंने देखा है कि कई लोग छोटे छोटे काम जो होते हैं वो खुद से करते हैं सो सेकेंड चीज़ यहाँ पर आते हैं हमारी ग्रोसरीज तो ग्रोसरीज के लिए एज़ uh, दूसरे बड़े सिटीज़ टोरंटो वनकूवर जैसे बड़ी सिटीज़ हैं uh, कैलगरी है बड़ी सिटी सेम ही यहाँ पर आपको सेम ग्रोसरी स्टोर्स मिल जाते हैं जो कि कनाडा वाइड है नेम सुपर स्टोर वॉलमार्ट और को सोबीज़ ये सारे जो हैं विनीपैक में अवेलेबल हैं विद दैट हमारे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स भी हैं जहाँ पर हमारा अपना देसी सामान मिलता है जो कि अपने मसाले हो गए तो वो सब यहाँ पर इजीली अवेलेबल है वनिपेग में बीइंग अ स्मॉल सिटी इवन देन यहाँ पर आपको सारे अपने इंडियन मसाले इंडियन uh, टेस्ट के जो हमारी चीज़ें होती हैं गोल गप्पे मतलब वो जो पापड़ी वाले के पैकेट्स ये सब कुछ ईजिली अवेलेबल हैं तो इट्स नॉट कि यहाँ पर ये यह सब चीज़ें नहीं मिलती हैं चाहे ही विनोपैक जो है इन कंपैरिजन टू बिग सिटीज़ एक छोटा सिटी है और बाकी बर्तन और डेली यूज़ का जो इंडिया वाला सामान होता है वो सब कुछ इजीली अवेलेबल है विनीपैग में अगर आप विनीपैग आ रहे हो तो आप सोचो कि बहुत सारा सामान लेके आना पड़ेगा मसाले बर्तन ये सब यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं ऑफ कोर्स थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे होंगे बट आपको इजीली मिल जाते हैं तो इतना सामान उठाने की ज़रूरत नहीं होती इंडिया से मैं आपको बताऊँ तो मैं भी जब आई थी बहुत सामान लेके आई थी बट ओवर द पास्ट ईयर्स आई हैव रियलाइज कि ये सब चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं जो चीज़ मैं आपको बताऊँ बहुत एक्सपेंसिव लगेगी या आपको लगेगी ईजीली अवेलेबल नहीं है वो है प्रेशर कुकर जो हमारे इंडियंस के घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो फैमिल लेके आ रहे हो या आप आ रहे हो अगर आप कुकिंग के शौकीन हो आपको लगता है आप कोक करोगे तो ज़रूर प्रेशर कुकर लेके आइएगा क्योंकि प्रेशर कुकर यहाँ मिल जाता है या तो साइज़ का आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा शायद या फिर वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है तो प्रेशर कुकर इज़ वन थिंग आई वुल ऑलवेज सजेस्ट अगर आप इंडिया से रहे हो ग्रोसरीज किचन यूटेंसिल्स की बात है तो वो आप जरूर लेकर आओ और फ्रेंड्स जो तीसरी बात है इस ब्लॉग में जो तीसरी बात मैं डिस्कस करूंगी वो है फूड की जो हम लोग इंडियंस की जो कि क्या बोलते हैं एक, एक हॉबी होती है हमारी हॉबी क्या है ईटिंग ट्राइंग डिफरेंट क्विजींस राइट डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स जाना खाना पीना तो फूड की बात करते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हम इंडियंस की लाइफ में तो यहाँ पर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं अब जब मैं आई थी मुझे याद है दो तीन डाइनिंग्स थे दो तीन टेक अवेज थे लेकिन इस टाइम पे आई वुड से मोर देन फिफ्टी शायद इंडियन रेस्टोरेंट्स और किचन्स होंगी जहाँ पर आप यमी uh, यमी सा इंडियन फूड ट्राई कर सकते हो ठीक है ना जो एक चीज़ यहाँ पे नहीं है पर मुझे सच में नहीं पता विन टोरोंटो और वनकूवर से कंपेयर नहीं करूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स नहीं है या जन मतलब कि जो आपके गोलगप्पे के ठेले मोमोज़ के वो, वो जो होते हैं ना कॉर्नर्स पे मोमोज स्प्रिंग रोल्स वाले ग्रिल सैंडविच वाले जो इतने ज़्यादा फूड ब्लॉगर्स इंडिया में बनाते हैं आजकल कल वीडियोज़ जाके वो यहाँ पर नहीं है वो मिसिंग है वो ट्रक्स हैं अभी रिसेंटली इंडियन फूड ट्रक भी आ गया है जहाँ पे इंडियन स्ट्रीट फूड मिलता है बट वो जो अपना इंडिया वाला ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड होता है ना जो ठेले पे जो गंदे गंदे हाथों से जो खाने गोलगप्पे मिलते हैं वो यहाँ पर नहीं है बट इंडियन स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट्स में है और बहुत अच्छा है तो अगर आप विनीपैग आ रहे हो विनीपेग एक्सप्लोर करना चाहते हो अगर आप जाना चाहते हो इंडियन रेस्टोरेंट्स ट्राई करना चाहते हो तो यू गॉट अ लॉट ऑफ वेरायटी टू ट्राई तो फ्रेंड्स तो अगर रेस्टोरेंट्स की मैं बात कर रही हूँ ना तो मैं आपको एक और मतलब फूड्स फ़ूड और रेस्टोरेंट की बात कर तो एक चीज़ मैं ऐड करूँगी वो ये है कि रेस्टोरेंट्स और फ़ूड यहाँ पर अच्छा मिल जाता है ऐसा नहीं है नहीं मिलता लेकिन जो नाइट लाइफ है अगर आप सोचो कि आप लेट नाइट जाके खा पी सकते हो जैसे इंडिया में तो अब रात को तीन तीन चार चार बजे तक गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वो नहीं है यहां पर जो कि मुझे पता है बिग सिटीज लाइक टोरंटो वैनकूवर कैलगरी एडमिंटन वहाँ पर है तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं है विनीपेग में कि रात को तीन तीन बजे तक आपकी गाड़ियाँ लगी रहती हैं रेस्टोरेंट्स के बाहर आप लोग वो सब इन्जॉय करते हो स्ट्रीट फूड मतलब रेस्टोरेंट्स के बाहर जो अच्छे स्ट्रीट फूड जहाँ पे मिलता है वो सब वो यहाँ पर नहीं है रेस्टोरेंट्स यहाँ पर प्रटिमट जल्दी बंद हो जाते हैं बिकॉज़ आई थिंक छोटी सिटी है लोग जल्दी सो जाते हैं सुबह जल्दी उठ के अपने कामों पर जाते हैं तो वो एक रीज़न है तो वो यहाँ पर नहीं है और उसके अलावा आपको मुझे नहीं लगता मुझे खाने पीने में कभी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई है तो अगर मैं कम मतलब कि अगर मैं बड़ी सिटीज़ के साथ कंपेयर करूँ खाना यहाँ मिलता है इंडियन इंडियन फूड अच्छा मिलता है बस एक यही चीज़ है जो कि ना जल्दी रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं तो वो भी उनका नहीं है इशू क्योंकि ऑफकोर्स कस्टमर नहीं है तो रेस्टोरेंट खुला भी क्यों रहेगा राइट तो एक वो वो एक चीज़ है जो यहाँ पर आई वुड से कि नहीं है एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़ तो युवान भी आ गया फाइनली व्लॉग में अब तो फ्रेंड्स ये तो था एक छोटा सा व्लॉग हमारी लाइफ इन, इन विनीपैग छोटी सिटी की लाइफ हमारी विनीपैग में तो मुझे लगता है मैंने कुछ बेसिक बेसिक अभी कवर किया है आ, अगर आपको लग आपको कोई और इन्फॉर्मेशन आपको लगता है चाहिए या आप जानना चाहते हो हमारे हमारी लाइफ के बारे में और या हम कैसे रहते हैं हम क्या करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना और अगर आपको कुछ और लाइक like, विनिपैक के बारे में कुछ विनीपैक सिटी के बारे में बेसिक्स जानना है या कुछ भी तो वो भी हमें ज़रूर बताना बिकॉज़ युवान आपको जरूर बताएगा विनिपेक सिटी के बारे में है ना तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स और नवरात्रि आने वाले हैं फेस्टिवल टाइम शुरू हो रहा है तो उस सबको कैप्चर करेंगे हम आने वाले ब्लॉग्स में देखते हैं हम क्या तैयारियां कैसे करते हैं और सब कुछ तो बने रहिए हमारे साथ एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू मिनी जी ब्लॉग्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में युवान बाय कर दो Bye.